हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए हैं सालट, जहाँ पे अलाउद्दीन का महल स्थित है। तो चलो आपको इसके बारे में बताते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते भी हैं। फ्रेंड चलते हैं अंदर, ये अंदर जाने के लिए रास्ता है, तो चलो आपको अंदर चल के दिखाते हैं और बताते हैं। ये सामने महल का द्वार है, देखिए आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ पूरा। तो चलते हैं फ्रेंड महल के अंदर और आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। ये इसका प्रवेश द्वार है जो आप देख ही सकते हैं। चलो आपके चल के आगे दिखाते हैं और क्या है। तो सामने देख ही सकते हैं आप, वो द्वार है जो यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो यहाँ के अस्तबल है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे राजाओं के। देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड। ये किले की दीवार जो कि बाएं साइड की है, और देखिए फ्रेंड इस साइड घोड़े बांधे जाते, यहाँ का अस्तबल है, यहाँ पर राजाओं के घोड़े बांधे जाते थे। चलो आपको अंदर चल कर और दिखाता हूँ मैं फ्रेंड। चलिए आपको उदल का कमरा दिखाते हैं चलकर। जो ये आप देख रहे हैं अंदर, ये देख रहे हैं, ये उदल का कमरा है। यहाँ पर उदल के सामान वगैरह रखा जाता था। और ये एक द्वार ये है, चलो आपको इसके अंदर चल के दिखाते हैं क्या है। ये बताया जाता है कि रानी महल है, यहाँ पर रानियां रही करती थी। देखिए देखिए अभी पूरा जर्जर अवस्था में है, आप देख ही सकते हैं, जिसकी छत बिल्कुल टूटी हुई है। ये देखिए अंदर दिखाते हैं, ये है आल्हा और ऊदल का बैठका। यहाँ पर से निगरानी रखी जाती थी और यहाँ से तालाब भी दिखाई देता है। देखिए सामने से तालाब भी दिखता था। चलो आप ऊपर चल के दिखाते हैं और ये देखिए इसके ऊपर की छत है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आला उदल की बैठक कहाँ होती थी। ये देखिए पूरा जर्जर अवस्था में है इस समय। आप जो भी आए कभी भी तो संभल कर ऊपर चढ़िएगा। ये देखिए एक निकासी द्वार है। ये देखिए सामने आला और उदल की बैठक हुई करती थी यहाँ पर। चलो आपको अंदर चल के दिखाते हैं फ्रेंड। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे आला उदल का जो था मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे उनकी माता जी पूजा किया करती थी। यहाँ पर शायद तुलसी के पेड़ भी अभी लगे होंगे। चलो आपको देखते हैं अगर लगे होंगे, और शायद नहीं है। यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर कि उनकी माता जी पूजा करती थी। देखिए आपको जो सेना थी यहाँ पर रहती थी और वो निगरानी किया करती थी। फ्रेंड जो जो आप रूम देख रहे हैं, ये रानी मछला का रूम है। यहाँ पर की रानी मछली नहा धोकर आती थी और अपना श्रृंगार किया करती थी। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर उसका आईना रखा हुआ था, तो इसमें आप वो अपना चेहरा देखती थी। और देखिए यहाँ पर काफी मट्टी पुर गई है, इस वजह से आपको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तो आपको चलते हैं बाहर और बाहर का कुछ और नज़ारा आपको दिखाते हैं। जो बिल्कुल देखिए छत वत की बिल्कुल गिर चुकी है, उसमें आप देख ही सकते हैं। उस समय ये रूम बहुत ही अच्छा हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। रानी मछला का ये रूम है, यहाँ पर रानी मछला अपना श्रृंगार किया करती थी। ये सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर आईना रखा हुआ था जिसमें वो अपना चेहरा देखती थी। और ये देखिए अभी काफी जर्जर अवस्था में है, इस वजह से इसको कोई फ्रेंड जो रूम आप सामने देख रहे हैं, ये उनकी आलाउदल की माता जी का रूम है दिबला का। चलो आपको अंदर चल के दिखाते हैं कैसा रूम है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर शूट भी कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसा रूम था उनका। और इस सामने से नहाने के लिए सीढ़ियां भी थी, ये देखिए नीचे जाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड इसकी छत। फ्रेंड ये नीचे जाने का रास्ता जहां से रानी मछला और उनकी मम्मी और अदर लोग नहाने जाया करते थे। चलो तो आपको नीचे चलकर दिखाते हैं। देखिए सीढ़ियां गई हुई, यहाँ पर नीचे तालाब है जहां पर वे लोग नहाने जाया करते थे।
ये देखिए फ्रेंड, ये आपको तालाब दिखाई दे रहा है, नहाने जाया करते हैं। ये देखिए सामने तालाब का व्यू आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आला उदल का सेनापति रहा करता था, कि आप देख सकते हैं यहाँ से निगरानी किया करता था। सामने आप तालाब देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता था। ये देखिए गाइस फ्रेंड, जो ये आप देख रहे हैं ये सामने का नजारा, यहाँ पर एक दालान हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर सैनिक खड़े होकर निगरानी किया करते थे। और जो आप सामने देख रहे हैं वो उनकी माता जी का रूम दिवला का है, जो उनकी माता जी। चलिए आगे चलते हैं, आपको एक ये द्वार है, चलो ऊपर ले चलते हैं और कुछ दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, चलो फ्रेंड चलते हैं ऊपर और आपको छत दिखाते हैं। यहाँ से रानी मछला और उनकी मम्मी वगैरह छत का ऊपर जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं छत पर। ये देखिए ये भी सीढ़ियां नीचे जाने के लिए, जो कि कमरे में जाती हैं। देखिए और दिखाते हैं आपको, ये देखिए सामने का नजारा फ्रेंड। ये महल राजा परमार का था, जहां पर कि आला और उदल बैठक किया करते थे। फ्रेंड आला और उदल दो ऐसे भी, फ्रेंड आला और उदल ने मिलकर 52 लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्होंने जीती भी हैं। लेकिन उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आए, तो उनसे जब उनका युद्ध हुआ तो उसमें उदल की मृत्यु हो गई। उसके बाद बताया जाता है कि जब से आला यहाँ पर दिखे नहीं, और ऐसा भी माना जाता है कि आला की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। फ्रेंड ये महल चारों ओर पहाड़ों से ढका हुआ है, और जो कि आपको देख ही सकते हैं। फ्रेंड जो ये आप तालाब देख रहे हैं, जो उनके मामा राजा महल का तालाब था, ये देखिए सामने। फ्रेंड छत के ऊपर से आपको पूरा महल दिखाई देगा, ये देखिए सामने से मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड आपको रानी महल दिखाते हैं। ये देखिए चलिए, जो ये आप कमरा देख रहे हैं ये रानी महल, यहाँ पर रानियां रहा करती थी। ये देखिए अभी बिल्कुल जर्जर अवस्था में, ये देखिए सामने। फ्रेंड राजा परमार ने ये महल बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाया था, जो कि आप देख सकते हैं ये महल चारों ओर पहाड़ों से ढका हुआ। जो ये आपको गुफा दिखाई दे रही है सामने, ये दो तीन जगह निकली हुई है, एक महोबा दिसरापुर तालाब के पास में निकली हुई है, और ये एक गुखार पहाड़िया के वहीं पर निकली हुई है। ये गुफा बहुत ही अंदर अंदर निकली हुई है। चलो तो आपको ले चलते हैं गुफा में और उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड अब चलते हैं नीचे। आपको ले चलते हैं जहां पर सुरंग निकली हुई है। चलिए अब हम निकल रहे हैं बाहर, तो आपको ले चलते हैं सुरंग पर डायरेक्ट। फ्रेंड अब हम लोग गुफा के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। चलिए वो आपको देखो सामने दिखी रही है, चलो तो आपको सामने से वहीं से चल के दिखाते हैं। यहाँ पर चढ़ने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है, फिर भी हम आपको वहां तक दिखाने के लिए सकते हैं। कुछ भाई लोग भी यहाँ पर शूट कर रहे हैं। फ्रेंड ये देखिए इस पहाड़ के बीच बीच वो गुफा है, हम लोग चढ़ते चढ़ते थक गए, चलो तो आपको चलते हैं वहीं बहुत पास में चल के दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड पथरीगढ़ की लड़ाई के दौरान जब वो लोग लौट के आए, तो सलाह मशवरा करने के बाद गुरु अमरा ने इस गुफा को बंद कर दिया गया था, और आज भी ये गुफा बंद पड़ी हुई है। फ्रेंड ये गुफा गुखार की पहाड़ियों महोबा के पास भी निकली हुई है, और दिसरापुर महल के पास भी निकली हुई है, और ये गुफा पहाड़ के जस्ट ऊपर ही है, तो आप ये देख सकते हैं। चलो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस ये गुफा आज भी बंद पड़ी हुई है, ये आप देख ही सकते हैं। ये देखिए मैं आपको और अंदर से दिखा दूं। ये देखिए गुरु अमरा ने अपनी शक्ति से इस गुफा को बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी कभी भी अतिक्रमण या आक्रमण कर सकता है। चलो फ्रेंड अब चलते हैं नीचे, आपको गुफा मैंने दिखाई दी है, अब मिलते हैं नीचे चलकर। देखिए रास्ता बहुत ही खराब है, अगर आप कभी यहाँ पर जो भी वीडियो क्रिएटर है बहुत ही आराम से आए। बहुत ही खतरनाक जगह है।
फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।